मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में प्रभु के वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 14 का 11 हम पढ़ें। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। हमें इस वचन को सही तरीके से समझना है, नहीं तो हमारे जीवन में प्रभु के वचन के कारण बहुत सारी समस्याएं दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यहां पर प्रभु का वचन साफ साफ हमें सिखाता है, दिखाता है कि घर और तंबू में जो फर्क है, हमारा स्वर्गीय पिता एक अच्छा अध्यापक है जो हमें स्वर्गीय बातों को हमारे समझने के तौर तरीके से हमें समझाते हैं ताकि हम आत्मिक तौर पर उन्नति कर सकें। हम सब जानते हैं जब हमारा प्रभु मनुष्य के रूप में इस संसार में आया तो कई दृष्टांतों को, उनमें हमारे दैनिक जीवन से कई बातों को लेकर स्वर्ग की भेदों को हमें समझा कर दिया। आइए इस पढ़े हुए वचन में सबसे पहले हम एक घर को जरा देखें जिसके बारे में लिखा है, दुष्टों के घर के बारे में। एक घर की तुलना एक तंबू के साथ की गई है। जब हम देखें, एक घर तो तंबू की तुलना में मजबूत होता है क्योंकि उसे एक जगह से दूसरे जगह हटाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार एक दुष्ट का घर भी उसके इस संसार के जीवन के साथ तुलना किया गया जो एक दिन बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति उसकी सोच हमेशा इस संसार में के उसके जीवन के बारे में है। वो इस संसार में इसलिए जीता ताकि अपनी मोह, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करें, अपने ऐश में रहे। वो कभी भी अनंत काल के बारे में सोचते ही नहीं है और कई बार वो स्वर्ग और नरक की बात को ही कीमत नहीं देते, उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो हर दुष्ट तरीके को अपनाते हैं ताकि इस संसार का उनका जीवन ऐश और आराम का हो। वो ना तो परमेश्वर ना ही मनुष्य से डरते हैं। उनका घर देखने में मजबूत और दुनिया की नजरों में खूबसूरत लगता है तो भी उनका घर एक दिन बर्बाद होगा। ध्यान रखें, जब हम घर की बात करते हैं तो ईंट पत्थर से बनाए हुए घर की बात नहीं कर रहे, वरन एक व्यक्ति के जीवन को बता रहे हैं। अब एक धर्मी के तंबू को जरा देखें। परमेश्वर का वचन अनंत काल के बारे में कितने स्पष्ट तौर पर वो सच्चाई हमारे सामने रखता है। इधर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है तंबू। तंबू किस बात को दिखाता है? कि जहां कहीं है वो थोड़ी देर के लिए है। एक धर्मी जन, उसका जीवन इस पृथ्वी में थोड़ी देर के लिए है और उसे ये तंबू को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर जाना है। और उसे मालूम है कि उसका इस संसार का जीवन थोड़ी देर का है और वो अपने प्रभु के साथ अनंत काल के भवन में अनंत काल के लिए वास करेगा। एक धर्मी जन का तंबू जब एक दुष्ट जन के घर के साथ तुलना किया जाता है तो वो तंबू कम कीमत का है। ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन एक एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता है, उसके हाथ के बनाए मकान के संदर्भ में नहीं, वरन उसके जीवन के संबंध में। हम सब उस दृष्टांत को जानते हैं ना, जहां पर प्रभु यीशु ने दो लोगों ने जो अपना घर बनाया उनके बारे में कहा था, एक ने चट्टान पर, दूसरे ने रेत पर बनाया था। वो घर बाहर के घर के बारे में नहीं है, वरन वो दो व्यक्तियों के जीवन के विषय में था। इसी प्रकार यहां पर घर उस व्यक्ति के बारे में है जिसका जीवन इस संसार में जड़ पकड़ चुका है, और तंबू उस व्यक्ति के जीवन के बारे में है जो अपने आप को परदेशी या मुसाफिर समझकर अपने अनंत काल के उस निवास को देखकर सफर कर रहा है। उसे मालूम है उसका तंबू थोड़ी देर का है। जब एक धर्मी जन परदेशी के तौर पर अपना जीवन बिताता है, संसार के सामने वो मूर्ख गिना जाता है।
उसका जीवन कमजोर सा लगता है क्योंकि तंबू है। लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। उसका मतलब, बेशक वो तंबू इस पृथ्वी से हटाया गया तो भी वो फलवंत है, आशीषित है। सच है, अनंत काल में परमेश्वर की उपस्थिति में उसका जीवन आशीषित है। दुष्ट का जीवन, उसका घर पाप से भरा है और एक गढ़ की तरह है जो एक दिन गिराया जाएगा। कई मजबूत घर, जैसे कि कई अधिकारी, सम्राट, राजा, प्रभावशाली लोग इस संसार में आए, अपने मोह इच्छाओं के अनुसार जिए, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चले और उनका घर ढाया गया। और जब वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े होंगे, उनके घुटने कांपेंगे क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चले। वरन एक धर्मी का तंबू जो आशा से भरपूर है, जिसमें परमेश्वर की शांति है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आशीषित होगी। बेशक उसके जीवन के समय कई तूफानों को सामना किया तो भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसका रक्षक, उसका पालनहार और उसका तारनहार है। अब्राहम के जीवन को जरा देखें, बुजुर्गी में कमजोर हो गया शरीर, फिर भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। उसका तंबू फलवंत हुआ, आबाद हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धारकर्ता के तौर पर उसके ही वंशावली में आए, और परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर कहने में गर्व करता है। आइए सुबह के समय हम अपने जीवनों को जरा देखें। क्या मैंने संसार में जड़ पकड़ा है, या मेरा जीवन एक परदेशी के तौर पर है? क्या मेरी नजरें उस स्वर्गीय शहर की ओर है, उस आशा के साथ कि मैं अति शीघ्र अपने प्रभु को देखूंगा? आइए हम अपने जीवन को ध्यान से बिताएं, संसार की बातों में ना खो जाएं, नहीं तो एक दिन बर्बाद होगा। एक एक दिन अपने आप को परदेशी और मुसाफिर समझते हुए प्रभु के इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस सुबह के समय आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। बाप, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, बेशक ये संसार हमें आकर्षित करने का प्रयास करता है तो भी हमेशा हम अपने आप को परदेशी और मुसाफिर समझते हुए अपना दौड़ पूरा करने के लिए बाप हमें मदद करें, बल ज्ञान और समझ दे। प्रभु आपका आगमन नजदीक है, हमारी आंखें आप पर ही लगी रहे, जो भी हमें देखे आपकी महिमा को देख सके। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।